लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके हो नाइस, तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्लोज था। टेक योर टाइम, यू डोंट हैव टू डू इट फास्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कबीर खन्ना एंड इफ यू डोंट नो दिस चैनल, दिस इज देसी ट्रेडर एंड ओवर हियर वी डिस्कस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एडवाइसेस एंड व्हाट ऑल यू कैन अचीव through trading. So if you're interested, I would highly recommend you to hit that subscribe button. And also if you're new and you don't know, I also give out free signals on my Telegram channel. The links are down in the description and also in the pinned comments. So go and check it out. Hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है कबीर खन्ना, या फिर आप मेरे को मेरे चैनल के नाम से जानते हैं, द देसी ट्रेडर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और बढ़िया स्ट्रैटेजी लेके आया हूं जिसके साथ आप काफी अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो। भाई अगर मेन बात करें, इट इज ऑल डाउन टू फंडामेंटल्स। और अगर आप फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहते हो और भी ज्यादा जो है सीखने के साथ जो है पैसे भी बनाना चाहते हो, सो माई टेलीग्राम चैनल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ। इट हैज प्लेस फॉर बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड ऑल्सो सम एक्सपीरियंस guys who are traders right now. So if you want to join in, all you have to do is go to the description box, click on the link and then join in and start learning and earning from today, because I will be giving also free signals every single day, so you don't have to worry about anything. So you know that out of the way, and I highly recommend you joining it, but that out of the way, let's move into the setup for the day and let's see how we can beat the market. ओके, तो आज का सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मैं 92 मिनट पे रखने वाला हूँ हमेशा की तरह। $518 से शुरू कर रहे हैं। गोइंग ऑल इन, यू नो दैट हैज बीन द बेस्ट, यू नो एंड द फास्टेस्ट वे दैट वी हैव इंक्रीज्ड आवर मनी। बट ऑफ कोर्स आपको जो है क्या करना है, आपको धीरे धीरे ही जाना है। कैंडल्स आज जो है 15 सेकेंड पे रखेंगे राइट, और इनको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं यहाँ पे। नाइस, लुकिंग गुड। और यहाँ पे जो है इंडिकेटर्स आज के सेटअप कर लेते हैं, जो कि हमारा होगा ऑसम ऑसिलेटर, जिसका जो है पीरियड लॉन्ग हम 31 पे करेंगे और पीरियड शॉर्ट को 3 पे करेंगे। और जो है हमारा सेकंड वाला जो इंडिकेटर है वो रहने वाला है हमारा ये जो शार्प ट्रेंड साइकिल है, इसका जो स्लो लेंथ है 45 पे कर रहा हूँ और फास्ट लेंथ को 20 पे कर रहा हूँ, लेंथ को 7 पे कर रहा हूँ राइट। और ये भी हमारा सेटअप हो गया। और इसके बाद जो एक केल्टनर चैनल को यहाँ पे रख लेंगे। दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड यू नो हाउ मच द वॉलिटिलिटी ऑफ द मार्केट इज गोइंग। ATR पीरियड को जो है 8 पे रखेंगे और EMA पीरियड को 23 पे राइट। इसके बाद जो है एक एडिशनल अगर आप रखना चाहते हो तो फ्रैक्टल्स रख सकते हो फॉर अ बेटर यू नो व्यू ऑफ द मार्केट अगर आप चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते हो तो यू कैन स्किप द फ्रैक्टल्स पार्ट। बट ये आज की हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी और इसके साथ देखेंगे कि हम कितने मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो इन विद अ डाउन ट्रेड फॉर द फर्स्ट वन। अब डाउन पे यहाँ पे क्यों जाना है, मार्केट ने एकदम से शूट अप किया था यहाँ पे। हम अगर शार्फ ट्रेंड साइकिल को देखें तो हम देखेंगे एक ड्रास्टिक जो है चेंज आया था ऊपर की तरफ हमारा, और वहां पे जो है एकदम से फ्रैक्टल्स ने भी हमें दिखा दी और कैंडल भी इतना ड्रॉप हुई कि वो एंड ही हमारी बहुत छोटी हुई। उसके बाद जो है एक और रेड कैंडल आई सजेस्टिंग कि यहाँ पे जो है मार्केट नीचे जाने वाली है राइट। तो इसका हमने फायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा ऊपर लेना चाहता था यहाँ पे जहाँ पे हमारी कैंडल शुरू हुई हुई थी, बट नंदलेस यहाँ पे एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग जो है हमारा एक डाउनवर्ड ट्रेंड चलने वाला है जिसका हमने मौके पे फायदा उठा लिया। अगर हम ऑसम ऑसिलेटर को भी देखेंगे तो उसने भी हमें जो है सिमिलर सिचुएशन ही दिखाई थी। दो कैंडल्स जो है दो तीन कैंडल्स के बाद जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से जो है दो तीन कैंडल्स के बाद जो है एक हमारी जो है रेड यहाँ पे बार्स आने लगे सजेस्टिंग कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पे चलने वाला है। तो आखिरी कैंडल और यहाँ पे हमारा जो है आप देख सकते हो 518 लगाए थे हमने, हम जो है $974 पे पहुंच चुके पहली ही ट्रेड पे। सो गोइंग बिग विल ऑल्सो यू नो bring a lot of big profits, but also you have to keep in mind that you know high risk high reward, so you know if you're willing you can.
Okay, so let's go in with I think $700 should be nice. और ये भी मैं down पे जा रहा हूँ. अब down पे क्यों जा रहा हूँ? Similar सा effect है यहाँ पे. जो हमारी market है वो down पे जा रही थी काफी अच्छे तरीके से. उसके बाद जो है थोड़ा सा market ने ऊपर जाने की कोशिश की. But अगर हम जो है VIX देखेंगे candles के in the early stage of its going up, वहाँ पे जो है VIX काफी लंबे और market जो है उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी. और जब ऊपर गई है similar situation जो है हमें VIX को देखेंगे कि हमारे जो विक्स हैं वो मैच कर रहे हैं एक लेवल ऑन अ सर्टेन लेवल जहां पे रेजिस्टेंस मिल रही है, राइट? तो जब मेरे को लगा कि मैक्सिमम अब ऊपर पहुंच चुका है और इसके बाद जो है थोड़ा सा मार्केट और ज्यादा जो है हमारा रेजिस्ट करेगा इन कैंडल्स को, वहां पे हमने एंट्री पॉइंट ले लिया है. और अगर और डिटेल में जानना चाहते हो, ऑफकोर्स मैं हमेशा बोलता हूं मैं और डिटेल में समझा सकता हूं. ऑल यू हैव टू डू इज टेक्स्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, राइट? और वहां पे जो है आप पैसे भी साथ साथ में बना सकते हो समझने के साथ साथ, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैंडल जो है काफी अच्छे तरीके से नीचे जा रही है और हमारे यहाँ पे एक और प्रॉफिट बन गया. $700 लगाए थे और $1,350 हमने बना लिए. 500 से शुरू किया था, $1,100 का हमने ऑलरेडी प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया है. ओके, तो यहाँ पे जो है ट्रेंड अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. सिंपल सी इसमें क्या लॉजिक है, मार्केट इस वाली मार्केट में जो है जो हमारा जो है ब्राजीलियन वाला है और यूएसडी वाला है, यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर चल रही थी और उसके बाद जो है नीचे आई है. तो आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना है, आपको देखना है कि मार्केट यार किस तरीके से कहाँ कहाँ पे जा रही है और क्यों जा रही है, राइट? अगर आपको इसकी समझ आने लगेगी तब ही आप जो है एक अच्छा एंट्री पॉइंट ले पाओगे. इंडिकेटर्स जो है आपको सिर्फ सजेस्ट करके हैं कि मार्केट की मूवमेंट कहाँ पे कैसे जा रही है और कहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं. बट उसमें भी क्या है हमारा कि आपको देखना आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे जो है हमें दिख रहा है फ्रैक्टल्स ने भी हमें साइन दे दिया है और हमारे जो है यहाँ पे ऑसम ऑसिलेटर भी काफी ऊपर का दिखा रहा है. बट हमें कैंडल्स बहुत ज्यादा छोटी मिल रही है और यहाँ पे जो है एक पोटेंशियल लॉस होने की भी चांसेस है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, ओ नाइस, स्टे अप. ओ तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्लोज था यहाँ पे. आइदर वे इट कुड हैव बीन, बट हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बन गया, दैट इज नाइस. बट बहुत ज्यादा क्लोज था. लेट्स मूव टू अ लिटिल बिट ऑफ अ सेफर एंट्री पॉइंट. देखते हैं अगर कहीं पे सेफ और एंट्री पॉइंट मिलता है और वहां पे ले लेते हैं. बट हम देख सकते हैं कि कैंडल्स ऊपर ही जा रही है, तो एनालिसिस वॉज ऑन अ गुड साइड. ओके, तो यहाँ पे जो है एक आखिरी जो है एंट्री पॉइंट आपको लेके दिखा देता हूँ, $1,000 ऑन अप. अब आप पे क्यों है, आप ये मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में भी बताइए. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे अप क्यों जा रही है मार्केट. आप सिंपली देख सकते हो, आप इंडिकेटर्स को देख सकते हो. यहाँ पे मार्केट जो है हमारी काफी अच्छी खासी जो है ऊपर की तरफ चल रही थी, बट एक कंटिन्यूस जो है हमारा एक डाउनवर्ड ट्रेंड चलने की कोशिश हुई. बट हमारी सपोर्ट लाइन काफी अच्छी थी और यहाँ पे जो है मेरे को मार्केट में एक और अच्छी सपोर्ट लाइन की जरूरत थी. और जब मैंने उसको देखा, पकड़ लिया, उसके बाद जो है मार्केट जब ही नीचे आई, मैंने वहां पे जो है एंट्री पॉइंट ले लिया अप का. तो यार इतना कॉम्प्लिकेट अगर ना करें अपनी सिचुएशन को, बाइनरी ऑप्शंस पे पैसे बनाना बहुत सिंपल और इजी हो सकता है. ऑल यू हैव टू डू इज लुक फॉर द राइट एंट्री पॉइंट एट द राइट टाइम एंड टेक योर टाइम, यू डोंट हैव टू डू इट फास्ट. ओके, मैं भी आपके ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अच्छी तरह मार्केट को देख के एक अच्छे अच्छे एंट्री पॉइंट ले रहा हूँ. कई जो है अच्छे होते हैं डेफिनेटली. $1,900 बना लिए बाय द वे, आप देख सकते हो यहाँ पे. और कई जो है थोड़े से रिस्की हो सकते हैं. आपको जो है विड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ. इट इज रियली वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली कम ओवर हियर. आप देख सकते हो हमारा अमाउंट और यहाँ पे जो है हम जाएंगे $3,000 के साथ और यहाँ पे जो है अपना वॉलेट डाल देंगे और पेमेंट मेथड डाल देंगे जो नेटवर्क हम यूज करने वाले हैं. ऑथेंटिफिकेशन आपको कोड आएगा एक. ऑल यू हैव टू गो डू इज गो टू योर ईमेल, गेट द ऑथेंटिफिकेशन कोड, कॉपी इट एंड सिंपली कम बैक, कंट्रोल वी, दैट्स बेसिकली इट. तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि ऑलरेडी वहां पे पैसे कट चुके हैं एंड इट विल बी ट्रांसफर टू आवर अकाउंट रियली वेरी सून.
तो गाइज आपने देखा कि हमने जो है काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया स्टार्टिंग ओनली फ्रॉम $500. अब ओनली $500 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे जैसे ही अपनी जर्नी में आगे जाते रहोगे $500 एक आपके लिए एक बेस अमाउंट ऑफ मनी बन जाएगा। बिल्कुल सही और सच बात है, आपको जो है कंसिस्टेंट रहना है अपनी ट्रेडिंग जर्नी के साथ और अपनी जो है प्रैक्टिस के साथ। सो डोंट स्टॉप इवन थ्रू द लॉसेस, लॉसेस आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर दैट यू डोंट सी राइट नाउ। ओके सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, इफ यू लाइक दैट हिट ऑन दैट लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी फीडबैक, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड मेक श्योर टू हिट ऑन दैट बेल आइकन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, मैं आपका वेट करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर भी।